गीता का ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। श्रीमद् भगवद गीता की अनमोल बातें गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, बदलती जरूर हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। गीता के अनुसार कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य, इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना।